नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त सीधी बात टीवी चैनल के जारी प्रोग्राम पैगाम फ़ुरक़ान की 190वीं किस्त मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, सूरह बकरा की आज एक आयत यानी आयत नंबर 113 की हम तफसीर पेश करेंगे। आइए तिलावत कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون। और यहूदी कहते हैं कि ईसाई रास्ते पर नहीं, और ईसाई कहते हैं कि यहूदी सीधे रास्ते पर नहीं, हालांकि वो किताबी इलाही पढ़ते हैं। इसी तरह बिल्कुल उन्हीं की सी बात वो लोग कहते हैं जो कुछ नहीं जानते, यानी मुशरिक। तो जिस बात में ये लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं, खुदा क़यामत के दिन उसका उनमें फ़ैसला कर देगा। नाज़रीन गिरामी, वकालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै, और यहूदी कहते हैं कि ईसाई सीधे रास्ते पर नहीं है, हक पर नहीं है, यानी ईसाइयों का दीन कुछ भी नहीं, या इनका दीन माकूल बुनियादों पर खड़ा हुआ नहीं है, या नसारा का दीन सही नहीं और वो दीन हक से गाफिल और बेगाना है। वकालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै, और ईसाई कहते हैं कि यहूदी रास्ते पर नहीं, सीधे रास्ते पर नहीं, यानी यही बात नसारा ने यहूद के हक़ में कही है। मौलाना अमीन हसन इस्लाही रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, इस्लाम की मुखालिफत के लिए यहूद और नसारा दोनों एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो गए और एक दूसरे को बड़ी फयाजी के साथ नजात याफ्ता और जन्नती करार दे रहे हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म से अलग उनकी बाहमी तकफीर और तफसीक और जंगो जिदाल का यह हाल है कि यहूद और नसारा की कोई जड़ बुनियाद तस्लीम नहीं करते, यानी यहूद नसारा की कोई जड़ तस्लीम नहीं करते और नसारा यहूद के लिए कोई बुनियाद तस्लीम नहीं करते, हालांकि दोनों एक ही किताब की पैरवी के मुद्दई हैं, तौरात दोनों में मुश्तरक है। इससे वाज़े हुआ कि आज जो उनके अंदर ये गठजोड़ हो गया है, ये ना तो दीन के तहफ्फुज़ के लिए है, न किसी इखलास और नेक नियति पर मबनी है, बल्कि महज इस्लाम दुश्मनी का जज्बा है जिसने उनको मुत्तहिद कर दिया है। हाफिज़ इमादुद्दीन इब्ने कसीर फरमाते हैं कि नजरान के नसारा का वफ्द जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो उनके पास यहूदियों के उलमा भी आए। उस वक्त इन लोगों ने उन्हें और उन्होंने उनको गुमराह बताया, हालांकि दोनों अहले किताब हैं, तौरात में इंजील की तस्दीक है और इंजील में तौरात की तस्दीक मौजूद है। फिर इनका एक कौल किस कदर लगो है कि अगले यहूद और नसारा दीन हक पर कायम थे, लेकिन फिर बिदातों और फितना परदाजियों की वजह से दीन उनसे छीन गया, अपना यहूद हिदायत पर हैं और न नसारा। नाज़रीन गिरामी, आगे फरमाया गया इस आयत में कि वहुम यतलून अल किताब कदारिक क़ाल अल्लज़ीन ला यअलमून मिस्ल क़ौलिहिम, हालांकि वो किताब इलाही पढ़ते हैं, इसी तरह बिल्कुल उन्हीं की सी बात वो लोग कहते हैं जो कुछ भी नहीं जानते, यानी मुशरिक। यानी जिस तरह यहूद व नसारा की बात है, वैसी उनके कौल की मिसल इल्म ना रखने वाले मुशरिकीन का तर्ज अमल भी यही है। यहाँ भी मौलाना अमीन हसन इस्लाही रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अल्लज़ीन ला यालमूना, जो इल्म नहीं रखते से मुराद मुशरिकीन बनी इस्माइल हैं, इसलिए कि किताब व शरीयत से नाआशना उम्मीद है। उनके मुतालिक फरमाया कि उन्होंने भी उन्हीं लोगों की सी बात कही, यानी ये भी अपने सिवा सबको बातिल पर समझते हैं, लेकिन इस्लाम की मुखालिफत के लिए आज ये भी इस मुश्तरक महाज में शामिल हो चुके हैं।
वो यहूद व नसारा एक किताब के इल्म और अमल के मुद्दई होते हुए दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं और ये मुशरिकीन बग़ैर किसी इल्म ही के पाँचों सवारों में जा शामिल हुए। कदालिका और मिसल कौलहिम के अल्फाज बज़ाहिर दोनों एक ही मफहूम के हामिल नज़र आते हैं, लेकिन गौर करने से दोनों से हकीकतें ज़ाहिर होती हैं कि एक से तहर्रुक और जज्बे का इश्तराक ज़ाहिर होता है, दूसरे से ताबीर का, यानी ये भी नीयत और अमल दोनों में उन्हीं यहूद व नसारा के नक्श कदम पर चल रहे हैं, यानी नीयत भी उनका यही है और उनका अमल भी यही है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी आगे फरमाया गया, फल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामती फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफून, तो जिस बात में ये लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं, खुदा क़ियामत के दिन उसका उनमें फ़ैसला कर देगा, यानी क़ियामत के रोज़ उस बात पर जिसमें वो इख्तिलाफ करते थे या करते हैं अहले हक़ और अहले बातिल के दरमियान, अल्लाह ताला फ़ैसला करेगा। अहले हक़ के लिए जन्नत होगी और अहले बातिल के लिए जहन्नम। इस तरह तमाम ही ग्रोहों के माबैन पाए जाने वाले तमाम ही किस्म के इख्तिलाफात का मबनी बर इंसाफ फ़ैसला बरोज़ हशर हमेशा के लिए हो जाएगा। उर्दू तफसीर तफसीर उस्मानी में इस आयत की तफसीर के ज़िम्न में तफसील मिलती है कि यहूदियों ने तौरात पढ़कर समझ लिया कि जब नसरानियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहा तो बेशक वो काफिर हो गए, और नसरानियों ने इंजील में साफ देख लिया कि यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का इनकार करके काफिर हो गए, जैसे यहूद और नसारा एक दूसरे को गुमराह जानते हैं, इसी तरह बुतप्रस्त भी अपने सिवा सब फ़िरकों को गुमराह और बेदीन बताते थे। ला यालमून का इशारा उन जाहिलों की तरफ है जो मुशरिकीन अरब और बुतप्रस्त थे। सो दुनियावी ज़िंदगी में वो यही कहते रहें क़ियामत को अब फैसला हो जाएगा, यहाँ शिबा होता है कि जब कज़ाली का फरमा दिया तो फिर मिसल कौलिम फरमाने की क्या हाजत हुई। बाज़ मुफसरीन ने जवाब दिया कि मिसल कौलिम तौज़ीह और ताकीद है कज़ालिका के लिए, और बाज़ कहते हैं कि यहाँ दो तशबीह जुदा जुदा हैं, अलग अलग हैं, इसलिए दो लफ्ज़ लाए एक तशबीह से, तो ये गर्ज़ है कि उनका और उनका मकोला बहम मुशाबा है, यानी जैसे वो दूसरों को गुमराह कहते हैं ऐसा ही ये भी, और दूसरी तशबीह से ये गर्ज़ है कि जैसे अहले किताब ये बेदलील दावा अपनी हवाए नफ्स और अदावत से करते थे, ऐसे ही बुतपरस्त भी महज ख्वाहिशात नफसानी से ऐसा बेदलील दावा करते थे। इसी तरह नाज़रीन गिरामी कंजुल ईमान में इस आयत की तफसीर में यह बयान मिलता है कि नजरान के नसारा का वफ्द सरवर आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, तो उलमा यहूद भी आए और दोनों में मुनाजरा शुरू हो गया, आवाज़ें बुलंद हो गईं, शोर मचा। यहूद ने कहा कि नसारा का दीन कुछ भी नहीं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इंजील शरीफ का इनकार किया। इसी तरह नसारा ने यहूद से कहा कि तुम्हारा दीन कुछ भी नहीं और तौरात शरीफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इनकार किया। इस पसे मंजर में आयत नाजिल हुई, यानी बावजूद इल्म के उन्होंने ऐसी जाहिलाना गुफ्तगू की, हालांकि इंजील शरीफ जिसको नसारा मानते हैं उसमें तौरात शरीफ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत की तस्दीक मौजूद है। इसी तरह तौरात जिसको यहूदी मानते हैं उसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत और उन तमाम अहकाम की तस्दीक है जो आपको अल्लाह ताला की तरफ से आता हुए थे। उलमाए अहले किताब की तरह इन जाहिलों ने जो ना इल्म रखते थे ना किताब, जैसे कि बुतपरस्त आतिशपरस्त वगैरह वगैरह, उन्होंने भी हर एक दीन वाले की तकजीब करनी शुरू कर दी और कहा कि वो कुछ नहीं, इन्हीं जालिमों जाहिलों में से मुशरिकीन अरब भी हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी दीन की शान में ऐसे ही कलिमात कहे थे या कहे हैं। और तफसीर ज़ियाउल कुरान का मुताला करेंगे तो उसमें ये तफसीर मिलती है कि नजरान के ईसाई बारगाह रिसालत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए तो उनकी आमद की खबर सुनकर उलमा यहूद भी वहाँ पहुँच गए, फरीक़ैन में गुफ्तगू शुरू हो गई। असनाए कलाम में यहूद ने कह दिया कि नसारा का मजहब बिल्कुल बातिर है, और नसारा ने भी जवाब में कहा कि यहूद का हक़ व सदाकत से कोई वास्ता नहीं। अल्लाह ताला दोनों की गलती का इजहार फरमाते हैं कि जब तौरात में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद और उनकी रिसालत का जिक्र मौजूद है तो तौरात पर ईमान का दावा करने वाले यहूद को यह हक़ नहीं पहुँचता कि वह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रिसालत का इनकार कर दे, और इंजील में जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत की अनगिनत शहादतें मौजूद हैं तो अब नसारा किस मुँह से मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का इनकार करते हैं।
गर्ज ये कि रास्ती का दामन दोनों के हाथ से छूट गया है, दोनों अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। बुतों के पुजारी, आग और सितारों के परिश्तार भी इसी गलत फहमी का शिकार थे, वो भी अपने सिवा सबको गुमकर्दा राह तसव्वुर करते थे। नाज़रीन गिरामी, बयानुल कुरान तफसीर बयानुल कुरान में इस आयत की तफसीर में जो जुमला मिलता है वो ये है कि अमली फैसला ये है कि अहले हक को जन्नत में और अहले बातिल को दोजख में भेज देंगे, और ये कैद इसलिए लगाई गई कि कौली और बुरहानी फैसला तो हक व बातिल के दरमियान दलाइल नकलिया व अकलिया से दुनिया में भी हो चुका होता है। वैकैफ नाजरीन, इन चार तफासिर में जो बातें कही गई हैं और इब्तिदान उलमा के जो बयानात पेश किए हैं, इनसे इस आयत का मुकम्मल फहम हासिल होता है। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इस आयत मुबारका की हिकमत व बसीरत क्या है। नंबर एक ये है कि हक और बातिल की पहचान का मेयार ज़ाती ख्वाहिशात नहीं बल्कि हकीकी इल्म है और वो वही इलाही है। नंबर दो ये है कि कोई भी शख्स कभी किसी हकीकत को नहीं पा सकता जब तक कि तासुब और हटदर्मी से बालातर होकर न सोचे। नंबर तीन ये है कि यहूद व नसारा के माबैन मजहबी इनाद महज ज़िद और जहालत पर मबनी था। नंबर चार यह है कि मुसलमानों में धड़ेबंदियाँ फ़िरकाबंदियाँ भी महज नफ्स की खबासतों का नतीजा हैं, वरना दीन तो हक़ व सदाकत, रवादारी और मसावात, उखुवत व भाईचारा और एहसान व मुरुवत का दर्स देता है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, नाज़रीन मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।